दोस्तों, जिस तरह से भारत डिफेंस के क्षेत्र में अपनी कदम को आगे बढ़ा रहा है और भारत के वैज्ञानिक ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिसको देखकर दुश्मन देश भी हैरान है। भारत को इस तरह से आगे बढ़ते हुए और इसकी तरक्की को देखकर दुश्मन देश अंदर ही अंदर झलकर राख हो रहे हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में अभी तक चीन ही शामिल था, लेकिन अब इसमें अमेरिका भी शामिल हो चुका है, जो भारत के आगे बढ़ने की रफ्तार से परेशान हो चुका है, जिसके चलते अमेरिका की कंपनियों ने भी अब भारत को धोखा देना शुरू कर दिया है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में आई खबर के मुताबिक अमेरिका भी भारत के तेजस फाइटर जेट के साथ एक बड़ा गद्दारी कर दिया है। दरअसल पिछले साल भारत की कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बड़ी संख्या में तेजस फाइटर जेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया था, जिस प्रोजेक्ट पर भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी भी काम कर रही है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि समयानुसार तेजस फाइटर जेट मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें जो इंजन लगाए जाने हैं उसके लिए भारत की कंपनी ने अमेरिका की कंपनी से डील फाइनल की थी, लेकिन अब अमेरिका की इस कंपनी ने भारत को धोखा देना शुरू कर दिया है। इससे न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी कम हो रही है, बल्कि भारत की कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट, चलिए जानते हैं आज के इस खास वीडियो में। दरअसल अब अमेरिका ने भी भारत के साथ खेल खेलना शुरू कर दिया है, ताकि भारत अपनी डिफेंस सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत न बना सके। इसलिए अमेरिका की जिन कंपनियों को भारत के तेजस फाइटर जेट में उपयोग होने वाले इंजन बनाने का ऑर्डर दिया गया था, उसमें अमेरिकी कंपनियों की तरफ से देरी की जा रही है। यानी कि देखा जाए तो एक तरफ से भारत को धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की इंजन बनाने वाली इस कंपनी ने भारत को अगस्त 2023 में ही इंजन की सप्लाई करने को कहा था, लेकिन अभी भी समयानुसार अमेरिकी कंपनी की तरफ से तेजस में उपयोग किए जाने वाले इंजन की सप्लाई नहीं हो रही है, जिससे भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी कम होने के साथ साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दरअसल अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो इसके मुताबिक भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भारतीय वायुसेना के लिए 987 की संख्या में तेजस फाइटर जेट बनाने का ऑर्डर रिसीव हुआ था। और आपको बता दें कि यह ऑर्डर पिछले साल 2023 में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को रिसीव हुआ था, जिसके प्रोडक्शन पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पिछले साल से ही काम कर रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तय किए गए समयानुसार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय वायुसेना को इसकी डिलीवरी नहीं कर पाई। इसे समझने के लिए आप इस बात पर नजर डालिए कि भारत में जो तेजस फाइटर जेट इस समय बनाए जा रहे हैं, उन्हें डेवलप तो स्वदेशी तौर पर किया जा रहा है, लेकिन उनमें जो इंजन है उसे अमेरिकी कंपनी द्वारा बनाकर लगाया जा रहा है। और इस समय भारत में 987 की संख्या में जो तेजस फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं, इनमें लगाए जाने वाले इंजनों के लिए भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ डील फाइनल किया था, जिसके मुताबिक अगस्त के महीने में ही जनरल इलेक्ट्रिक को भारत में इंजनों की सप्लाई कर देना था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक इंजन की सप्लाई पूरी तरह से नहीं हो सकी है, जिससे भारत में जो तेजस फाइटर जेट बनाने का प्रोजेक्ट है उसमें दिन पर दिन डीले होता जा रहा है, जिससे एक तरफ भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी कम हो रही है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट में देरी होने की जो वजह है वह अमेरिका की इंजन बनाने वाली कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक, जिसने तेजस फाइटर जेट में लगाए जा रहे इंजन को बनाने का ऑर्डर लिया था, क्योंकि भारत के तेजस फाइटर जेट में जिस इंजन का इस्तेमाल किया जाता है उसे अमेरिका से खरीदा जाता है। फिलहाल अमेरिकी कंपनी और भारत की HAL के बीच जो बातचीत हुई थी उसके मुताबिक इस अमेरिकी कंपनी ने इंजन की सप्लाई अगस्त के महीने में पूरा करने की बात कही थी, जो अभी तक नहीं हो पाया है। यही नहीं, सोचने वाली बात यह है कि इसी बीच हाल ही में इंजन बनाने वाली इसी अमेरिकी कंपनी ने साउथ कोरिया के 50 गोल्ड ईगल विमानों के लिए भारत की तेजस फाइटर जेट में यूज होने वाले इंजन की सेम तकनीक वाला इंजन साउथ कोरिया को भेज दिया है।
यूरो एशियन द्वारा जारी की गई खबर की माने तो अमेरिका ने भारत के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला है। यानी कि यह अमेरिकी कंपनी भारत को किस तरह से धोखा दे रही है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका ने भारत के साथ ऐसा खेल क्यों खेला और अमेरिका के इस खेल से भारत को कितना नुकसान हुआ। क्योंकि देखा जाए तो लाइट कम्बैट तेजस फाइटर जेट को बनाने में दिन पर दिन देरी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अगर भारत को समय से इंजन मिल गया होता तो भारत की HIL कंपनी तेजस फाइटर जेट प्रोजेक्ट को बहुत पहले ही पूरा कर चुकी होती। दरअसल देखा जाए तो किसी भी इंजन को तभी फाइटर जेट में लगाया जाता है जब फाइटर जेट बनाने वाली कंपनियां इस बात को पूरी तरह से तय कर लेती हैं कि इनमें उपयोग किए जाने वाले इंजन तय किए गए समयानुसार मिल जाएंगे। लेकिन जैसा हाल ही में यूरो एशिया टाइम्स के द्वारा जारी की गई खबर के मुताबिक अमेरिका की इंजन बनाने वाली कंपनी ने तेजस में लगने वाले इंजन को देने में देरी किया है, जिससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस फाइटर जेट को बनाने की समय सीमा से काफी दूर चला गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर अमेरिका ने भारत के साथ ऐसा क्यों किया। दरअसल इस समय देखा जाए तो भारत, कनाडा और अमेरिका के बीच खालिस्तानी अलगाववादी आतंकवादी संगठन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। इसी बीच ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका इसमें भारत को झुकाने की कोशिश में जुटा हुआ है, इसीलिए अमेरिका के द्वारा भारत में इंजनों के सप्लाई में देरी हो रही है ताकि भारत डिफेंस सिक्योरिटी के मामले में इन देशों से पीछे ही रहे। फिलहाल चाहे कुछ भी हो, भारत को अमेरिका की ऐसी चालों से सावधान रहना चाहिए ताकि आगे चलकर भारत को अमेरिका की कंपनियां धोखा न दे सकें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अमेरिका समय समय पर ऐसे ही भारत के साथ खेल करता रहता है। लेकिन भारत के एयरफोर्स की मजबूती को रोकने के लिए कोई भी देश चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, भारत बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि भारत को फ्रांस और जापान जैसे देशों का साथ मिला हुआ है जहां से भारत कभी भी इंजन की डील को फाइनल कर सकता है। और अब तो जापान ने भारत को तकनीक ट्रांसफर करना भी शुरू कर दिया है, जिससे इस बात की ज्यादा उम्मीद है कि भारत पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए फ्रांस और जापान जैसे देशों से इंजन को खरीदें। वैसे भारत चाहे तो जर्मनी से भी इंजन को खरीदने की डील फाइनल कर सकता है, लेकिन जर्मनी ने जिस तरह से टैंक के इंजन की सप्लाई करने से हाथ खड़े किए हैं, उससे जर्मनी की कंपनियों पर भारत का विश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। इसलिए इस बात की उम्मीद ज्यादा है कि भारत देश जापान और फ्रांस जैसे देशों से ही पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट के इंजन को खरीदे। बाकी आपको क्या लगता है कि यह अमेरिकी कंपनी भारत को तेजस फाइटर जेट के इंजन की सप्लाई करने में देरी क्यों कर रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और जाते जाते कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद।